नमस्कार, निटिंग एंड क्रोशे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का जूती बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह का जूती बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए यहाँ हम 18 फंदे लिए हैं। ये दोनों तरफ से इसमें हम सीधा ही बुनते हैं। ये जूती का साइज है 5 नंबर। 5 नंबर का स्लीपर जो पहनते होंगे उनके लायक किया है। आप अपने पाँव के अनुसार बड़ा या छोटा बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसमें दोनों तरफ से सीधा ही बुना जाता है। पहले हम 2 सिलाई सीधा ये ब्लू कलर से बीन चुके हैं। इसको बुनने के बाद अब पिंक कलर से, इसमें 18 फंदा है, हम 16 फंदा सीधा बुनेंगे। ये 16 फंदा सीधा बुनने के बाद धागा को पहले आगे कर लीजिए, इस फंदा को इस पर उठा लीजिए, फिर धागा इधर और इस फंदा को फिर इस लेफ्ट के सिलाई पे डाल लीजिए। अब यहीं से हम इसे घुमा लेंगे। इधर से भी फिर उसी तरह हम सीधा ही बुनेंगे। ये देखिए 16 फंदा बुनने के बाद फिर अब हम इस कलर से ब्लू कलर से सभी फंदा 18 फंदा को सीधा बुनेंगे। दोनों तरफ से ब्लू से हम जब भी बुनेंगे तो सभी फंदा को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से सीधा बुनने के बाद इसमें हम 16 फंदे को बुने थे। अब हम फिर ये पिंक कलर से जब इस बार हम 13 फंदा बुने। ये देखिए 13 फंदा, पहले हम 16 फंदा बुने थे, अब हम 13 फंदा बुनेंगे। उसके बाद इस फंदा को उतार लेंगे, धागा इस तरह से, ये धागा इस तरह आगे कर लेंगे, इस फंदा को उतारेंगे, फिर धागा पीछे, फिर इस फंदा को उतारेंगे और धागा को इस तरह से घुमा देंगे। इसके बाद फिर इस 13 फंदा को फिर सीधा बुन जाएंगे। ये देखिए
अब फिर हम ब्लू कलर से बुनेंगे तो सभी फंदा को एक साथ बुनेंगे, ये सभी 18 फंदा को बुनेंगे। ये दोनों तरफ से हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए अब 12वीं सिलाई हम बुनेंगे। 12वीं सिलाई में इसमें 16 फिर 13, अब हम 10 फंदा ही बुनेंगे। दस फंदा बुन लिए, हर बार 3 फंदा कम हो जा रहा है। 10 फंदा बुनने के बाद फिर उसी तरह इस फंदा को उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, पहले धागा आगे करेंगे फिर फंदा को उतारेंगे इस तरह से, फिर धागा को घुमा लेंगे। इसे यहाँ पर होल नहीं होता है। यहाँ से ही हम लौट जाएंगे, यहाँ से हम केवल ये 10 फंदा को ही बुनेंगे। दो सिलाई पिंक से और दो सिलाई ब्लू से। ब्लू से हम सभी फंदों को बुनते हैं और पिंक से पहले 16 फिर 13 फिर 10, इसके बाद फिर हम 13 फंदा बुनेंगे फिर 16 फंदा बुनेंगे। देखिए नेक्स्ट दो सिलाई इससे बुनने के बाद अब पिंक कलर से फिर 13 फंदा बुनेंगे। यहाँ देखिए 10 फंदा बुने थे, पहले 16 फिर 13 फिर 10, अब फिर हम 13 फंदा बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 फंदा। धागा आगे करेंगे, फंदा उतारेंगे, फिर धागा पीछे इस तरह से इसे घुमा लेंगे, फिर ये सीधा फंदा बुन। यहाँ देखिए इस तरह से पहले 16 फिर 13 फिर 10 फंदा फिर 13 फंदा, अब हम 16 फंदा बुनेंगे। ब्लू से हर बार सभी फंदों को बुनना है सीधा। ये देखिए इस तरह से ही ये स्लिप में जूती जो है सो बनाया जाता है। इसमें ब्लू कलर से सभी फंदों को बुना जाता है, सभी 18 फंदों को बुना जाता है दो लाइन सीधा, और पिंक कलर से पहले 16 फंदा उसके बाद 13 फंदा फिर 10 फंदा फिर यहाँ 16 फंदा, ये 13 फंदा फिर 16 फंदा, इसके बाद फिर इसी तरह रिपीट करेंगे 16 फंदा के बाद फिर 13 फंदा फिर 10 फिर 13 फिर 16, इसी तरह इसको हम बनाएंगे। ये देखिए ये 5 नंबर की
5 इंच के जूती के साइज़ का ये बना हुआ है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 16 फंदा जो है सो 12 बार बुना हुआ है। आप चाहें तो यदि इसे बड़ा बनाना है, इसे एक साइज बड़ा बनाना है, तो आप 1 इंच जो है उसमें और बना दीजिए। ये 16 के बाद 13, 13 के बाद 10, 10 के बाद फिर 13, फिर 16, इस तरह से 16 फंदा बनाने के बाद 2 लाइन बुन लीजिए और सभी फंदा को एक साथ उतार लीजिए। उसके बाद इसे हम ये इस तरह से इसका सिलाई किया जाएगा। यहाँ इसे हम जोड़ेंगे, उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे। उससे पहले इसमें हम ये देखिए इस तरह से बॉर्डर बना लेंगे। इसमें मैंने 55 फंदा उठाया है। देखिए इस तरह से इसमें फंदा हम उठाया जाता है। ये एक फंदा, दो, चार, ये देखिए सभी स्टेज के ऊपर यहाँ पे इस तरह से फंदा हम उठाएंगे। 3 6 1 7, यहाँ हम 55 फंदा उठा लेंगे। ये देखिए ये 55 फंदा इस पर हम उठा लिए। अब इसे हम दोनों तरफ से सीधा बुनेंगे। दोनों तरफ से सीधा बुनेंगे 8 सिलाई तक। 10वीं सिलाई में इस फंदा को हम बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से देखिए 55 फंदा को दोनों तरफ से सीधा बुने हैं। आप जूती के साइज़ के अनुसार इस फंदा को घटा या बढ़ा लीजिएगा। इसको बनाने के बाद देखिए यहाँ जो है पहले इसको सिलाई कर दीजिए, उसके बाद इसे सिलाई कर दीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये जूती ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।